नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपके साथ। मैं हूं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश की महाडिबेट, एमपी की महाडिबेट देख रहे हैं आज। आज महाडिबेट में बड़ी चर्चा कांग्रेस के यू टर्न पर। इसे यू टर्न समझ लीजिए या रॉन्ग टर्न मूवी को याद कर लीजिए। काफी मंथन और चिंतन के बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट की, लेकिन न मंथन काम आया न चिंतन। टिकट के ऐलान के बाद घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस में कलह की कहानी पुरानी है, लेकिन इस बार मामला बगावत और चुनौती तक पहुंच गया। इसके बाद क्या यह माना जाए कि कांग्रेस भूल सुधार प्रक्रिया में है? अब तक 7 उम्मीदवारों पर जो टिकट हैं उनके बदले जा चुके हैं, कई और सीटों पर बदलाव की अटकलें भी हैं। क्या बागी कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं? आखिर क्या है यूटर्न की वजह? इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। माननीय कमलनाथ जी ने जो मेरे साथ घटना इस तरह जो किया है, क्रस किया है, ये बहुत गलत किया है। समर्थक जितने भी, और मेरा भी ये चैलेंज है कि मुरैना की 6 की 6 सीट माननीय कमलनाथ जी को हरा कर यहाँ से भेजूंगा। एक होता है मोड़, एक होता है अंधा मोड़, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक होता है उल्टा मोड़, जिसे यू टर्न भी कहा जाता है। समझ नहीं आता कि अजब की गजब चुनौती काम कर गई या सर्वे के समीकरण इस चुनौती के बाद बदल गए। एक तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी है, दूसरी तरफ दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल का दावा करने वाली बीजेपी। कांग्रेस जिन सैनिकों के दम पर सत्ता का सपना बुन रही है, उनके बंदूक की नली कल तक अपनी ही तरफ थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही है, गलती तो हो ही जाती है, ये भी सही, लेकिन गलती और गलतियों के सिलसिले में फर्क तो होता है। समय रहते गलतियों को सुधार पा रहे हैं, बिल्कुल। हमारी 230 सीटों पर बहुत शांतिपूर्ण सहमतियों के साथ टिकट वितरण हुआ और हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं अपनी गारंटी के आधार पर। कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। तो मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसे पूरा कर लिया गया है। तो कांग्रेस ने गलती सुधार ली है। टिकट के ऐलान के बाद छिड़े घमासान और बगावत के बीच यू टर्न लेते हुए कांग्रेस ने 4 और सीटों पर उम्मीदवार बदल लिए। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा सीट पर कांग्रेस ने टिकट बदला है। टिकट कटने पर खुलेआम बगावत करने वाले और कमलनाथ को चुनौती देने वाले अजब सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने सुमावली से टिकट दे दिया। पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस गोटेगांव, दतिया और पिछोर से भी उम्मीदवार बदल चुकी है। लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशियों को बदलना बता रहा है कि कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा कलह कांग्रेस में मची है। टिकट कटने पर खुलेआम बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेस करीब 40 सीटों पर नाराजगी का सामना कर रही है। कई नेता बागी बन गए हैं तो कई बगावत की राह पर हैं। बीजेपी इसे गदर बता रही है। टिकट बदले जाने को सीएम शिवराज कांग्रेस की घबराहट बता रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय हार का डर। टिकट बांट लिए और बाद में जब गदर हुआ तो कमलनाथ जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, कांग्रेस हो गई। और बाद में जब फिर और गदर मचा तो अब कई टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए, तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, परेशान है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जनता का आभारी हूँ। डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, हार का डर है इसलिए बदल रहे हैं, कहीं पे बिक भी रहे हैं टिकट, ऐसा मुझे पता लगा। ये तो कांग्रेस से कुछ भी हो सकता है। अब इसे घबराहट कहे, भीतरघात का डर, या फिर अब नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई की रणनीति, कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। अटकलें हैं कि अभी और सीटों पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। अब देखना यह है कि ये यू टर्न चुनाव में कितना काम आते हैं, कांग्रेस को सत्ता के करीब कितना पहुंचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब चर्चा के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट आपने देख ली, किस तरह से स्थितियां बन गई हैं। टिकट वितरण के बाद बदलना पड़ रहा है, प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केशवानी साहब का स्वागत। आनंद जाट, प्रवक्ता कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे, राजनीति के बारीक तार उनके जरिए खींचने की कोशिश करेंगे। रुचि गुप्ता, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचि जी का भी बहुत बहुत स्वागत, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले सवाल केशवानी साहब आपसे कि कमोबेश कलह की स्थिति कम है आपके यहाँ, परिस्थितियां हैं टिकट वितरण के बाद? जी
तो निश्चित रूप से कोई वोट राजीनाथ, पर हमारा कार्यकर्ता अपने संगठन को सर्वोपरि मानता है, जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो आवाज आपकी बहुत साफ नहीं हो पा रही है, उसे जरा हम सुधरवाने की कोशिश करते हैं। आनंद जाट साहब, स्थितियां 40 से ज्यादा सीटों पर लगातार इस तरह के प्रदर्शन, नाराजगी बगावत में दूसरी पार्टी, और दूसरी पार्टी के बाद फिर आपकी पार्टी में वापसी, ऐसा लगता है हरियाणा पलवल आया राम गया राम जहां से निकला था उसकी याद आ जाती है। जाट साहब, ललित जी बड़ा अच्छा प्रश्न है, और मैं बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस जो है लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता का बराबर मान सम्मान है, और हमने पूरी प्रिपरेशन के आधार पर सर्वे किए, सर्वे में जो है जो प्रत्याशी सबसे आगे थे बिल्कुल उनको हमने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर दो बराबर के प्रत्याशी थे, वो सर्वे में भी थे, तो वो मुश्किल फैसला था, और उस मुश्किल फैसले में दो में से एक का चयन करना बहुत स्वाभाविक जाहिर तौर पर हाँ ये? लेकिन उसके बाद जो है जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, हाँ, तो हमारे बड़े नेताओं ने बड़े दिल से उसे बदलने में कोई देरी नहीं की जी। तो बड़े नेताओं ने अभी कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र भी जिंदा है। जाट साहब, छोटे छोटे जवाब रहेंगे तो ज्यादा सवाल होंगे, आप ज्यादा बोल पाएंगे, मेरे सवाल तो वैसे छोटे होते हैं। खैर, ये बात अच्छी है, आपने कहा कि बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं की बात सुनी, सात जगह सुन ली है, क्या हम इंतजार करें कि और भी जगह सुनी जाएगी, ये मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। इन सब के बीच सौरभ दुबे साहब के पास में लिए चलते हैं। दुबे साहब, बगावत की स्थिति, नाराजगी बगावत की हद तक, और अगर इसे डैमेज कंट्रोल की शब्दावली में देखा जाए दुबे साहब, तो कांग्रेस के लिए स्थितियां ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या कहते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण आज से नहीं रही है, जब चुनाव आते हैं और तब तक जब टिकट का वितरण होता है उसके बाद एक बड़ा घमासान हर पार्टियों में देखा जाता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के तो हर पार्टियों के अंदर हर व्यक्ति आता है। अब उसको चाहिए टिकट, जिनको टिकट नहीं मिलता उनकी नाराजगी जो है वो होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहा जाता है स्पष्ट रूप से कि आपको अनुशासन में ही रहना है, आप अपने लिए कार्य करने नहीं आए, देश सेवा के लिए कार्य करने आए, राष्ट्र की सेवा के लिए कार्य करने आए हैं, इस प्रकार से अगर आप मान करके ही कार्य करेंगे पार्टी के अंदर तो आपको अनुशासन में रह करके ये चीजें होंगी और आपका समय आने पर आपको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी जी। हालांकि डिसिप्लिन टूटने की खबरें इस बार वहां से भी आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। जाट साहब आपके पास भी आऊंगा, रुचि जी भी लगातार बनी हुई है, दुर्गेश जी एक बार आपके पास आना चाहूंगा कि स्थितियां जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए तकरीबन 40 सीटों पर इस तरह की स्थितियां, लेकिन बहुत फेवरेबल कंडीशन बीजेपी के लिए भी नहीं है। केसवानी साहब, देखिए ललित जी, फेवरेबल कंडीशन जो आप बात कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, आज कंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमारे वरिष्ठ यहाँ पे राजनीतिक विशेषज्ञ सौरभ जी बैठे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को बयान किया, और हम विश्व का सबसे बड़ा दल है, करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता इस दल में काम करते हैं, उन करोड़ों सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता में से अति सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को चुनना, ये हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने बखूबी किया। अब जो उन्होंने 230 जीते हैं उनपे प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटकर उनको जिताने का काम करेगा। हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, जो संगठन हमें दिशा निर्देशित करता है प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए काम करता है, और किसान की तरह अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। ठीक ठीक ठीक, रुचि जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर, आप अपनी शांत रणनीति की तरह जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, मेरा ख्याल है निकाय चुनाव में तकरीबन 5% के आसपास की कामयाबी आपको मिली, क्या लग रहा है कि ये स्थितियां कैसी हैं आपके लिए, ये जो बगावत है, नाराजगी है, असंतुष्टि है? रुचि जी, आप ये देखिए कमलनाथ सरकार को जिस प्रकार से 2018 में गिरा दी गई, हाँ, एक तरफ खरीदने के लिए भाजपा खड़ी है और बिकने के लिए कांग्रेस खड़ी है,
निश्चित रूप से जो अजब जी की गजब जो उन्होंने धमकी दी शायद वही चल गई, और इस प्रकार से कमलनाथ जी को और अदर जो उनके नेतृत्व है उनको ये सीट बचाने के लिए शायद यह परिवर्तन करना पड़ा। पर मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की इतनी सुनवाई होती जी। कार्यकर्ता मैंने यहाँ ग्वालियर में भी काफी विरोध है, शायद वहां भी सुनवाई हो जाए, मैं यही उम्मीद करती हूँ। आप तो गठबंधन में रुचि ये तो बड़ा मुझे उम्मीद थी सौरभ जी की तरफ से सवाल आएगा गठबंधन में, दिल्ली में दिल मिले रहे, दिल्ली में दिल मिले रहे करते हैं, और जनप्रतिनिधि है हम, सिर्फ जनता की बात करते हैं हम गठबंधन में। तो आप एक तरफ बोलेंगे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी भी है, उसके अंदर सुनवाई भी नहीं होती है, दूसरा आप उसके साथ गठबंधन में भी रहेंगे, मेरा ख्याल है जनता तो कंफ्यूज होगी ना। इंडी गठबंधन में किसी की सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है? रुचि जी और मैं प्यूरिफाई कर देता हूँ इस सवाल को, आप क्या बोलना चाह रहे हैं ललित जी? जी इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन, क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिहाज से वहां पर ज्यादा गुंजाइश है? सवाल नंबर एक। दूसरा, आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगते हैं कि वहां पर डिक्टेटरशिप चलती है सिर्फ दो लोगों की। जी ये आरोप लगाने वाले कौन होते हैं, सबसे पहले तो आप ये लिस्ट बता दें मुझे। जी ये आरोप प्रत्यारोप भी शायद भाजपा और कांग्रेस के ही संस्कार है जो ये बोलते रहते हैं। कुमार विश्वास, पार्टी में किसी भी तरह का असंतोष नहीं है, देख लीजिए ना हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की लिस्ट में कोई फेर नहीं है, बाकायदा सर्वे होते हैं और सर्वे के आधार पर हमारे यहाँ टिकट दिए जा रहे हैं। जनता को कंफ्यूज तो कर रहे हैं आप, इंडी गठबंधन में है या नहीं है ये तो बताइए ना, कि प्रदेश के अंदर आप अलग लड़ेंगे और केंद्र के अंदर आप साथ में लड़ेंगे। ललित जी वोटर में भ्रम पैदा होता है, ठीक है? नहीं नहीं, अब जाट साहब की आवाज आ रही है। रुचि जी आएंगे आपके पास, ललित जी आएंगे, आएंगे ललित जी, जाट साहब प्लीज। ललित जी, ललित जी दो प्रश्न है मेरे इस डिबेट को लेकर प्लीज। हाँ एंकर दो है क्या यहाँ जी? आपको दो प्रवक्ता दो है, आपको यहाँ भी कंफ्यूजन है, देखिए जैसा वैसा है, यहाँ दिग्विजय सिंह और थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ यहाँ पर जो है ज्योतिराज सिंधिया नहीं है, यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं है, तो आपको जवाब ही नहीं देने दिया जा रहा है। ललित जी आपको जवाब ही नहीं देने दिया जा रहा है, देख लीजिए। ललित जी तो चलिए पूछेंगे। ललित जी आनंद जाट साहब, आनंद जाट साहब ये ठीक है, मैं पहले भी आपने इस तरह की बातें कही है, बेटर ये है कि कितने एंकर बैठे हैं उससे ज्यादा बेहतर मुझे ऐसा लगता है। मैं भी बीच में बोलते रहूं, सुनिए ना, ऐसा लगता है ऐसे मैं भी बीच में बोलते रहूं डिबेट हो पाएगी। ठीक, आमला सीट पर आपकी क्या स्थिति है? लेकिन आप साहब आमला के देंगे ना, आमला सीट पर आपकी क्या स्थिति है? आपके पास कोई विशेष सूचना हो तो मुझे बता दीजिए, बाकी कांग्रेस ने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी जी, निशा कह रही हैं कि कांग्रेस को वो बोल चुकी थी, कांग्रेस ने भी उन्हें कहा था टिकट के लिए, पर कांग्रेस ने जल्दबाजी कर दी। आपने एक बात और कही थी कि आपके यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, तो क्या साथ ही सीटों पर सुनी जा रही है या और परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? जाट साहब देखिए, इन सब चीजों का निर्णय हमारी जो प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति है और जो राष्ट्रीय चुनाव समिति है वो निर्णय करेगी। निशा जी के बारे में एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि निशा जी आज दिनांक तक कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है जी। वो कांग्रेस में सदस्यता लेंगी, उसके बाद उनके मसलों पर विचार किया जाएगा। ठीक ठीक ठीक, तो आपने एक बात और कही थी कि भाई उनको अलका जी को भी हम सुन रहे थे, 230 सीटों पर मंथन चिंतन दोनों हुआ, उसके बावजूद ये स्थितियां बनी हैं। आप कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ में से भी एक बेटर बेस्ट निकालने के लिए हो रहा है, जाट साहब बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश का ऐसा चुनाव है जो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ठीक, और इस चुनाव को मध्य प्रदेश की जनता लड़ने जा रही है। ठीक, तो हमने जन जन के मन के उम्मीदवार उतारने की पूरी कोशिश की है, और आप देखेंगे ललित जी 3 दिसंबर को अगर आप बुलाएंगे तो हम आप साथ में बैठेंगे और आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आदरणीय कमलनाथ जी को प्रचंड बहुमत से जिताया। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप लेकिन मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। खैर सौरभ जी लगातार मुस्कुरा रहा हूं, सौरभ जी लगातार बने हुए हैं। सौरभ जी कैसे भी जवाब ले लीजिए। आ रहा हूं, आ रहा हूं केसवानी साहब, आपके चलिए आपके पास ही आता हूं। बार बार ये शब्द आ रहा है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, ये क्या स्थितियां? ग्वालियर चंबल में ऐसी स्थितियां हैं या मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियां वाकई हैं? केसवानी साहब देखिए, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, सिर्फ भाजपा 230 सीटों पे ही हमारा कमल का फूल लड़ रहा है। ठीक, और 200 सीटों पे ही निश्चित रूप से हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। ठीक, रही बात है इनकी बार बार टिकटें बदलने की, तो ये डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं। हम तो पहले से ही ललित जी इस बात को कहते थे कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, दड़ों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है,
और ये कबीलों में बटे हुए लोग निश्चित रूप से जो जो कमलनाथ जी की दिग्विजय सिंह से नहीं बन रही, बस वही कबीले वाली बात, केसवानी साहब कबीले वाली बात, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, ये क्यों कहा जा रहा है ना? सिर्फ भाजपा, सिर्फ भाजपा, सिर्फ भाजपा, 230 सीटों की भाजपा है, कहीं 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 कोई इस तरह की स्थिति नहीं है ललित जी। ललित जी, हम हमारे हमारा संगठन पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ता है, अपने कार्यकर्ता को हम किसी को भी छोड़ते नहीं है, पूरी फौज हमारी जो हमारी 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 जो ताकत है वो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारी हमारी प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, हमारी केंद्र की जन कल्याण की योजना है, उसको लेकर सौरभ जी के पास जाना होगा। सौरभ जी, स्थितियां दोनों ही, जैसा मैंने अभी जिक्र भी किया था, दोनों राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां हैं, कांग्रेस के लिए शायद आंकड़ों के हिसाब से ज्यादा चुनौतियां नजर आती हैं, स्थितियां भाजपा में भी कई जगह से बगावत की खबरें वहां पर भी हैं, पार्टी छोड़ने की नाराजगी जाहिर करने की। हर्षवर्धन ही हैं, चौहान साहब के बेटे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे अरसे तक, उनके बेटे ही नाराज हैं। जी देखिए, अभी जो केसवानी साहब ने शुरू में ही बड़ी साफगोई से स्वीकार किया कि हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, पार्टी के अंदर जब ऐसे कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं कि हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं और जो हमें ऊपर से जैसा निर्देश दिया जाता है वो उसमें रह करके कार्य करते हैं। अब आप जो पिता पुत्र वाली बात कर रहे हैं, भाई पुत्र को टिकट नहीं दिया गया तो क्या समस्या है? परिवारवाद की तो बात हो रही थी, यहाँ दिग्विजय सिंह के भाई और दिग्विजय सिंह के पुत्र को टिकट देने की बात थोड़ी ना चल रही थी। भाई परिवारवाद से ही तो पार्टी कहती है कि हमारा परिवारवाद नहीं है, तो चुनाव के अंदर टिकटों में भी दिख रहा है। डबरा के निकायों में भी नहीं दिया, आकाश विजयवर्गीय जी को भी नहीं दिया गया, आप ये भी देख लीजिए। सौरभ जी, डबरा मंत्री और मांग रहे थे, उनके पुत्र को भी नहीं दिया गया। डबरा के जब निकाय चुनाव हुए थे ज्यादातर रिश्तेदार थे। नहीं, अभी आप देखिए, आप सुनिए, रिश्तेदार में और पिता पुत्र में बहुत अंतर है। पुत्र के लिए आप देखिए, वही बात हो रही है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? वो एक ही गांधी परिवार, एक ही वो, अब जाकर के उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया। बात होती है जो आपकी जो मुख्य सीट है, जहां पर अध्यक्ष पद वाली बात है, वहां पर कौन है? और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष हमेशा बदले जाते हैं, किसी परिवार का नहीं होता, कोई रिमोट से नहीं चलाता, एक बात। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस के अंदर अगर अनुशासन होता तो कांग्रेस का क्या हाल रहा है कि उसकी सरकार बनने के बाद भी कार्यकर्ता नाराज होते हैं और सरकारें गिर जाती हैं। सरकार, आपने ज्योतिराव सिंधिया जी को देखा, जो ये कह रहे हैं ज्योतिराव सिंधिया चले गए, भाई आपने उपेक्षा की, नाराज होके गए और सरकार तक गिर गई आपकी, तो आपका जो अपना राजनीतिक अहंकार है, जो आपका जो राजशाही अहंकार है, उसके कारण लोग चले जाते हैं। अभी भी अगर ये चुनाव जीतेंगे तो भी हो सकता है लोग छोड़ के चले जाए। केसवानी साहब, अनुशासन, अनुशासन को लेकर एक सवाल रहेगा केसवानी साहब से, आऊंगा मैं। सिंधिया साहब के सामने गाड़ी लेट प्रदर्शन हुआ और अगले दिन फिर पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी, इस तरह की जानकारी है, आऊंगा मैं। रुचि जी कुछ कहना चाह रही है, रुचि जी प्लीज। आरी गजब का आत्म कहेंगे, मतलब इनको इतना भरोसा है कि बीजेपी बड़ी अनुशासित पार्टी है, तो मेरे को हंसी आती, हास्यास्पद है एक बात कि सरकार बनी बनाई जनता की, जनता ने चुनी कि चुना किसको था, कांग्रेस को, और अनुशासनहीनता करते हुए भाजपा ने हंसते हुए पूरी सरकार गिरा दी और बहुत अच्छी तरह से चौड़े होकर बोलते हैं कि हम लोग अनुशासित पार्टी है। अपने आप रुचि को थोड़ा सा दुरुस्त करने का काम बोलने दीजिए, कहते हैं ये लोग कि ये अनुशासित पार्टी है, मत बनो आप तो इनकी पार्टी के जैसे मत बनो, आप गांधी बनने के लिए क्या चाहिए ये आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना? मोदी जमा कर क्यों कर रहे हैं? पहले जनता की बात करिए, आप जनता की बात जमा कर क्यों कर रहे हो? हमेशा मोदी जमा कर क्यों कर रहे हो? आप ही की पार्टी ने महिलाओं को आगे पर बिठाया था, आप भी तो मीडिया को ले आई ना, उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसे ही बहुत सारे विधायकों का एक साथ हृदय परिवर्तन हुआ था, सरकार बन गई। रुचि जी आ रहे हैं आपके पास, प्लीज जाट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मेरे से तो आ रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग, सुनिए दुर्गेश जी, दो मिनट सुन लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब भाजपा के प्रवक्ता बचाव शायद नहीं कर पा रहे, कमजोर कर पा रहे, पर परिवारवाद पर थोड़ी सी आपका ध्यान। मैंने कब कमजोर हुआ आपके सामने? कब कमजोर पड़ गया भैया? संजय शाह, अरे केसवानी साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, मन में ऐसे ख्याल मत पालो आप। अरे कमजोर, अरे जाट साहब, आप ऐसे ख्याल मत पालो, विश्लेषक केवल एक तरफा बातें कर रहे हैं।
अरे सुनिए ना, कहीं बात मत करो आप, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो ना, आज आप ये बताओ टिकटें क्यों बदली। अरे सुनिए ना, वो क्वेश्चन तो वो है, संजय शाह और विजय शाह कौन है? संजय शाह और विजय शाह कौन है? ये परिवारवाद नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या विजय राजे सिंधिया के पोते नहीं है? क्या वसुंधरा राजे भाजपा में नहीं है? क्या उन्हीं विजय राजे सिंधिया की बेटी यशोधरा राजे सिंधिया भाजपा में नहीं है? जो कार्यकर्ता है, राजनीतिक विषय भाजपा प्रवक्ता के रूप में चर्चा की जा रही है, वो दिखाता है कि भाजपा कमजोर पड़ रहा है। बहुत स्पष्ट तौर पर ठीक केशवानी साहब, बहुत शॉर्ट में आपका कमेंट, मुझे सौरभ जी के पास जाना। प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जो ये टिकट बदलने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है अपनी, और उस हार से दिल मिलाना, बिल मिलाना और जोर जोर से चिल्लाना, एंकर पर आरोप लगाना, ये सिद्ध कर रहा है कि ये मैदान से बाहर हो चुके हैं। ये इनके कपड़े फाड़ने वाली स्थिति को देखते हुए, भागते हुए, जो जो कमलनाथ जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ लो, जयवर्धन जी के कपड़े फाड़ो, तो फाड़ने हो महाकाल लोक हो। चलिए चलिए बस, सौरभ जी के पास जा रहा हूं, फाइनल प्लीज। नहीं नहीं, अरे भाई, अरे रुक जाइए, सौरभ जी के पास, सौरभ जी फाइनल कमेंट, फिर एक छोटी सी जानकारी। जितने मजबूत प्रवक्ता आनंद जी हैं, उस वैसे ही केशवानी जी हैं, जो रखते हैं इस तरह का बात नहीं करना चाहिए कि कौन कमजोर पड़ रहा है। आप सब राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, ये भी देखिए, तो मैं आनंद जी आपका समर्थन कर रहा था, आपने सुना नहीं। आम आदमी पार्टी आपका भ्रष्टाचारी पार्टी कह रही थी, मैंने आपका समर्थन करने के लिए मुझे को रोका था, लेकिन चूंकि आप नहीं समझना चाह रहे हैं, आपका राजशाही अहंकार है तो आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं आपके पक्ष की बात कर रहा था। आप समाजवादी पार्टी के साथ क्या कृत्य हुआ? चलिए चलिए ठीक, आम आदमी पार्टी कीजिए आप, ठीक ठीक बस बस बस, परिवारवाद पर बात कीजिए आप। अरे शो डायरेक्टर नाराज हो जाएगा, अरे जाट साहब प्लीज, परिवारवाद पर। अरे अच्छी बात जान लीजिए, बहुत अच्छी बात, कैलाश विजयवर्गीय तकरीबन 13 साल बाद, तोमर तकरीबन 15 साल बाद, कुलस्ते 1990 के बाद, और पटेल साहब उनका जो विधानसभा का तजुर्बा कम है, फिर भी वो मैदान में है। इस तरह की स्थितियां भी हैं, स्थितियां ये भी हैं कि अगर कहीं बगावत और कलह ज्यादा है तो क्या ये माना जाए कि कुछ अंडरकरंट जैसी स्थितियां भी, ऐसे बहुत सारे समीकरण रह गए। आगे ये चर्चाओं के दौर लगातार चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इस चर्चा को जो गुलाबी गुनगुनी सी ठंड है उसमें गर्मी भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।